आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं स्टॉक मार्केट तक चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड कंपनी के रिलेटेड। इस कंपनी के रिलेटेड बात की जाए तो आईपीओ से लेकर अभी तक कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी नहीं देखने को मिली थी, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके का साइन बन रहा है उसके अनुसार से यहाँ पर आने वाले समय में इस कंपनी में तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। वैसे इस कंपनी में इन्वेस्टेड है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको होल्ड करनी चाहिए, साथ ही आगे की आप लोग की क्या रणनीति होनी चाहिए, कुछ बेसिक और टेक्निकल के अनुसार से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। इसी तरीके के स्टॉक मार्केट और आईपीओ से जुड़ी हुई रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल वाले को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। आने वाले अच्छे आईपीओ में अलॉटमेंट चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, लिस्टिंग गेन का फायदा उठा सकते हैं। अभी तक अपने फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाएं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह अपस्टॉक का लिंक दिया है, वहाँ से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं विद इन आवर इन चार चीज़ों का रेडी रखकर। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, सिग्नेचर रखते हैं तो ओपन हो जाएंगे और आने वाले अच्छे आईपीओ में अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को आप बढ़ा सकते हैं। हम लोग बात करें यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड कंपनी के रिलेटेड, तो यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस फ्राइडे के दिन इस कंपनी का 0.60% की गिरावट के साथ 530.65 रुपया पर आपको बंद होते हुए देखने को मिला था। वहीं पे इस कंपनी के 5 डेज का रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर 5.57% के तेज़ी के देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पर जब से कंपनी लिस्ट हुई तब से लेकर अभी तक की रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर लगभग नेगेटिव रिटर्न से अपने शेयर होल्डर्स की कंपनी दी है। लगभग आईपीओ से लेकर अभी तक या जिन्होंने यहाँ पे ऊपरी लेवल बाय करके रखा हुआ उनके पोर्टफोलियो में लगभग 24% से ऊपर ही आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रही होगी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अब इस कंपनी में थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे कंपनी के जिस तरीके से चार्ट पैटर्न बन रहा है उसके अनुसार से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे कौन से रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस में अच्छे खासे रैली देखने को मिल सकती है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियली क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू देख सकते हैं किस तरीके से आपको 9.67% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे नेट इनकम की बात करें तो 26.9% से बढ़ी है। साथ ही यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी इम्प्रूव होते हुए देखने को मिला है। 26.47% की नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया है। 15.71% के आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स में अच्छे खासे दिखाते हुए देखने को मिला था। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें क्वार्टर थ्री की तो काफ़ी अच्छे क्वार्टरली थ्री का रिजल्ट्स यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट की हुई थी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आपको कंपनी ने इस जब से लिस्ट हुई और इस कंपनी के द्वारा हाई बनाया गया था 11th ऑफ अक्टूबर को 722.90 रुपये का और 8th ऑफ मार्च को इस कंपनी ने 483 रुपये का लो बनाया था। वहीं पर कंपनी के रिलेटेड बात करें फ्राइडे के दिन आपको 1st अप्रैल को किस तरीके से कारोबार होते हुए देखने को मिला था तो यहाँ पे 1,44,744 इक्विटी ऑप्शन ट्रेड हुए, जिनमें से आपको कितने 60,188 इक्विटी ऑप्शन डिलीवरी में उठाया गया। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 42% का डिलीवरी परसेंटेज, यहाँ पे आपको जो सेलिंग प्रेशर होनी चाहिए वो उतनी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से जितनी भी आपको सेलिंग हो रही है उसमें एक्यूमुलेशन अच्छे खासे होते हुए देखी जा रही है। इस कंपनी के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यह कंपनी इनकॉर्पोरेट कब किया गया था तो 1994 में इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट की गई थी। साथ ही यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी ज्वाइंट वेंचर है, किसकी, आदित्य बिरला कैपिटल एंड सन लाइफ एएमसी के ज्वाइंट वेंचर है। यहाँ पर कंपनी का जो ऑफर करती है सर्विस कौन कौन सी, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो होती है सर्विस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ऑफशोर एंड रियल एस्टेट ऑफशोर यहाँ पर ऑफरिंग करती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कंपनी के रिलेटेड बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और यहाँ पे कंपनी के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख सकते हैं इस कंपनी की। नॉन बैंकिंग एफिलिएट एएमसी में यह लीडिंग कंपनी है लार्जेस्ट इंडिया की। साथ ही यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 15,326 करोड़ का टोटल मार्केट कैप दिखती है, यानी कि मिड कैप कंपनी है। और यहाँ पर देखा जाए कंपनी की प्राइस टू अर्निंग, तो प्राइस टू अर्निंग अभी के कंपनी के शेयर प्राइस के अनुसार से बात करें तो 29 के प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू आपको 69 की है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.05% का डिविडेंड यील्ड आपको देखने को मिलती है, यानी कि अच्छे खासे डिविडेंड पे आउट इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 34.8% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 44.6% की है। और टोटल फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपीज़ यहाँ पे कंपनी का फेस वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन से पहले इस कंपनी के टेक्निकल्स के अनुसार से बात करें तो टेक्निकल्स यहाँ पे टेक्निकल्स जिस तरीके से फॉर्म हो रही है इस टेक्निकल्स के अनुसार से बात करें तो कंपनी यहाँ पे अप ट्रेंड में आपको जाते हुए देखने को मिल चुकी है।
कंपनी के नेक्स्ट फ्रेश ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे 600 का काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस की काम करेगी। 600 को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस 700 की होने वाली है। तो यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस को आप लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं यदि शॉर्ट टर्म के लिए खेलना चाहते हैं तो। नहीं तो यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई डरने वाली बात नहीं है। इस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल पैरामीटर्स आपको अच्छे देखने को मिलती है। यहाँ पे 74.19% इसके RSI ट्रेड कर रही है अप्रैल में। वॉल्यूम वाइज यहाँ पे बात करें तो काफ़ी दिनों से अच्छे खासे बाइंग हो रही थी और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आपको ब्रेकआउट होनी चाहिए। देन यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर आपको सस्टेन करते हुए देखी जा सकती है। कंपनी के शेयर प्राइस में ये यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर तेजी इसलिए नहीं देखी जा रही है मेरे स्टडी के अनुसार से, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 86.50% है। यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 75% आपको करनी होगी कब तक, जब से यह कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेकर 3 ईयर के अंदर भी यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% या 75% से नीचे लानी होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे FII की होल्डिंग जो थी वो आपको घटते हुए देखने को मिला था, लेकिन DII ने अपने स्टेक को इस कंपनी में बढ़ाया, पब्लिक ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। उसी तरीके से आने वाले जो क्वार्टरली अपडेट है शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स में, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि FIDI अपने स्टेक को किस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं या डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पर भी देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। कंपनी के प्रोज और कॉन्स की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री कंपनी देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार से कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 37.07% का कंपनी यहाँ पे मेंटेन करके रखी हुई है। हेल्थी डिविडेंड पे आउट 53.78% की, सिर्फ और सिर्फ एक ही निगेटिव पॉइंट से आपको 7.71 टाइम्स अपने बुक वैल्यू से ऊपर कंपनी के शेयर प्राइस ट्रेड कर रही है। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का सेल्स आपको देख सकते हैं किस तरीके से एक्सपोनेंशियल आपको ग्रोथ होते हुए देखने को मिला। पहले 255 था, देन यहाँ पे 279, 303, 332, 334। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Q2 और Q3 में उतने अच्छे आपको सेल्स में इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी काफ़ी अच्छे मेंटेन करके रखी हुई है। यहाँ पे कंटिन्यूसली बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रही है। पहले 54 था, 58 हुआ, देन यहाँ पे 60% देन यहाँ पे 72% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने मेंटेन करके रखी हुई है। इसी कारण से कंपनी के यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली बेसिस बढ़ते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे पहले 147 था, देन यहाँ पे 155, देन 173 और 186 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट करती हुई देखी गई। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट लॉस आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पे 223 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, देन यहाँ पे 349 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, 447 करोड़ का प्रॉफिट, देन यहाँ पे 494, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने 526 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके दिखाई है। यानी कि यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियली पैरामीटर्स के अनुसार से बात करें तो कोई भी आपको यहाँ पे जो निगेटिव होनी चाहिए पॉइंट्स स्टडी के अनुसार से देखने को नहीं मिल रहा है। यदि इस कंपनी में IPO से लेकर अभी तक होल्ड किए हुए तो पेशेंस के साथ और अपने स्टडी के अनुसार से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। आने वाले समय में यह कंपनी अच्छे रिटर्न्स देकर जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे टेस्ट करते हुए यह कंपनी देखने को मिल रही है। आपने कब से लेकर कब तक अभी तक इन्वेस्टमेंट किए हुए कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं ताकि एक ओवरव्यू मिल पाएगा। सो मिलता है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सो जय हिंद।